हेलो फ्रेंड्स, और एक नए वीडियो में आपसे स्वागत है। 24 अक्टूबर को 9:30 बजे मॉर्निंग में हिलरी ओवल होबर्ट ऑस्ट्रेलिया में आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का मैच नंबर 17 बांग्लादेश वर्सेस नीदरलैंड के बीच खेला गया, जिसमें इस मैच में टॉस जीता था नीदरलैंड और डिसाइड किया था फील्डिंग करने का। इस प्रकार से फर्स्ट इनिंग बैटिंग करने के लिए बांग्लादेश आया और बनाया 144 रन 8 विकेट गंवा के 20 ओवर में। फिर बाद में चेस करते हुए नीदरलैंड जो है केवल 135 रन ही बना पाया पूरा पूरी 10 ओवर गंवा के 20 ओवर में। तो देखिए, इस प्रकार से बांग्लादेश जो है इस मैच को 9 रनों से जीत गया है। तो शानदार जीत करने पर उसका बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और देखिए, पहले अब भी मैच मिला तस्किन अहमद को, जो कि 4 विकेट लिए, या 4 विकेट लिए, जो कि मीडियम फास्ट बॉलर है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं ड्रीम इलेवन में कौन फर्स्ट रैंक में आया है और करोड़पति बना जा रहा है, वो भी देख लेते हैं। तो चलिए देखें, देखिए फर्स्ट रैंक में एक बंदा आया है, उसका पॉइंट्स है 906.5 पॉइंट्स लाइक फर्स्ट रैंक में आया, और इसका टीम नेम देखिए हैप्पी जोशी सर T6 चौथा टीम है, जो कि देखिए कितना जीता है, 1 करोड़ रुपीज़, यस 1 करोड़ रुपीज़ जीत गया है केवल 50 रुपया एंट्री फी लगा के हैप्पी जोशी सर जी। और देखिए सेकेंड रैंक में दो बंदे आए हैं और दोनों देखिए कितना कितना जीते हैं, 12,50,000 जीते हैं। अब चलिए देखते हैं जो बंदा फर्स्ट रैंक माया करोड़पति बना है उसका रियल नेम क्या रहने वाला है। तो चलिए देखें, देखिए यह जो है राजस्थान का रहने वाला है, इसका नाम है हिमांशु नगरवाल, राजस्थान का रहने वाले हैं, फर्स्ट रैंक में आए और 1 करोड़ रुपीज़ जीत के केवल 50 रुपये एंट्री फी लगा के। तो इस जीत के लिए इसका बहुत बहुत बधाई। अब चलिए देखते हैं, देख सकते हो यह जो है टोटल 8 टीम क्रिएट किया था, उसमें से इसका 6ठा टीम है जो फर्स्ट रैंक में आया और 1 करोड़ रुपीज़ जीत गया केवल 50 रुपये में। अब चलिए देखते हैं, देख सकते हो यह जो है अभी तो कॉन्टेस्ट की बात करें तो 1847 कॉन्टेस्ट खेला है और मैच देखिए 503 मैच में, और देखिए सीरीज़ की बात करें तो 143 सीरीज़ है और स्कोर देखिए 6-6 है। और देखिए कब से यह खेल रहा है, यह जो है जनवरी 2020 से खेल रहा है, मतलब अभी 2 साल हो चुका है, तो 2 साल का एक्सपीरियंस है, ये जो है करोड़पति बन गया। अब चलिए देखते हैं इसका टीम, इस पर देखिए, देख सो इसे जो टीम बनाया था इसमें देख सकते हैं जो 1 2 3 4 5 6 7 प्लेयर लिया था बांग्लादेश से और बाकी बात लिया था नीदरलैंड से, 4, तो 7 और 4 कॉम्बिनेशन रखा और एक टीम बनाया। और जो कि देख सकते हो इसमें यह जो है कैप्टन रखा था तीश अश्मी अहमद को, जो कि यह जो है 4 विकेट लिए और इसे पता है इसको प्लेयर ऑफ द मैच मिला है। और देखिए जो वाइस कैप्टन रखा था पी वैन मैकेरन को, जो कि यह भी 2 विकेट लिए और 28 रन बनाए। देखिए इस प्रकार इसका टीम था। और इसमें देखने वाली बात यह हो सकती है, देख सकते हो यह जो है ना ऑलराउंडर में उसमें से 3 लिया था नीदरलैंड से और 1 लिया था आपका बांग्लादेश से, फिर बाकी बात देखिए बॉलर में 3 था, फिर बैट्समैन में और विकेट कीपर में केवल, यानी यह बोला जाता है यहाँ पर ज़्यादातर जो फोकस किया था बैट्समैन लोग को बांग्लादेश को रखा था, तो किसे सोचा था, इसका सोच कुछ अलग था और इसे सोचा दिमाग से टीम बनाया और कैप्टन रखा था जो है फास्ट बॉलर को, जो कि पावर प्ले में विकेट लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार इसका काम किया टीम। तो आप भी टीम बना तो सब टीम बनाइएगा और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद है वीडियो को हम लाइक कर दीजिए और यदि आप लोग नए हैं मेरे चैनल तो मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस वीडियोज़ और भी आगे आप लोग मेरे चैनल में। तो चलिए मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।